फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन सुधा मौर्या फ्रॉम सुधा डाइटिंग। सो सबसे पहले मेरे उन सभी क्लाइंट्स को बहुत सारा थैंक यू जिन्होंने मेरे उस वीडियो के लिए काफी सारा अप्रिशिएशन किया है। तो उन सभी क्लाइंट्स को बहुत सारा थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग को मेरा वीडियो जो एक सरप्राइज था आप लोगों के लिए, वो आप लोग को काफी पसंद आया। सो आज मैं आप लोग को जो बताने आई हूँ वो है चंद्र ग्रहण, जो कि हमारे भारत में पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, भारत में पहला सूर्य ग्रहण था वो था 30 अप्रैल को, जिसका सूतक नहीं माना गया था क्योंकि भारत में वो सूर्य ग्रहण नहीं दिखने वाला था। तो इस साल में दो चंद्र ग्रहण दिखने वाले हैं, जिसमें कि पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को है और दूसरा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को है। तो सूर्य ग्रहण की तरह ही क्या इस बार भी चंद्र ग्रहण का कोई असर नहीं होगा या होगा, वो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी। अगर होगा तो आप लोग को कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कैसे रखना और आप लोग की डाइट कैसी रहेगी, ताकि आप लोग को जो सूतक काल होगा उसमें क्योंकि खाना पीना कुछ भी नहीं होता है, तो उस टाइम पे आप अपनी डाइट कैसी रखें कि आप लोग को भूख भी ना लगे, प्यास भी ना लगे और आप लोग भी फिट रहे, आपका बच्चा भी फिट रहे और आपको बिल्कुल भी टेंशन ना हो कि आपने 2 घंटे से कुछ खाया नहीं है तो आपका बच्चा भूखा होगा। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को हेल्दी डाइट टिप्स से रिलेटेड बहुत सारे डाइट प्लान्स, बहुत सारे हेल्दी टिप्स मिलने वाले हैं और आगे चल के मिलते रहेंगे आप लोग को। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो चंद्र ग्रहण। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारे भारत में पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो है 16 मई को। तो 16 मई को चंद्र ग्रहण लगने का जो समय है वो है 8:59 से लेकर 10:23 तक। तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे का है ये चंद्र ग्रहण। पर क्या हमारे भारत में लग रहा है, तो मैं आप लोग की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि हमारे भारत में इसका कोई भी सूतक काल नहीं होगा। सूतक काल का मतलब ये है कि जब हमारे देश में वो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण देखा जाता है, जिस समय देखा जाता है उसको सूतक काल कहते हैं। तो भारत में जब ये चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा तो ये सूतक काल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्र ग्रहण ये सुबह ही 8:59 से लेकर के 10:23 तक ही लगने वाला है। सो उसका हमारे भारत में कोई भी असर होने वाला नहीं है। सो प्रेग्नेंट लेडीज को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण हमारे भारत में लगने वाला नहीं है। सो ये तो बात रही कि भारत में लगने वाला नहीं है, बट काफी लोग इस बात को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि दुनिया तो एक ही है, बट उनके लिए भी वो बात सही। अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आप इस सूतक काल को मानिए, तो 2-2.5 घंटा आपको आराम करने में, बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इस समय अच्छी बातें पढ़ सकते हैं या कोई अच्छी चीजें सुन सकते हैं, ताकि आप लोग के बच्चे को भी काफी अच्छा असर करे। तो मेरी राय यही रहेगी इस चंद्र ग्रहण को लेकर के, कि वैसे तो वैज्ञानिक रूप से कोई भी ये चंद्र ग्रहण भारत में लगने वाला नहीं है, ना ही सौ कोई सूतक काल है, बट अगर आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि नहीं आपको ध्यान रखना है, सूतक काल मानना है, तो आप लोग मान सकते हैं, क्योंकि मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लोग इस सूतक काल को मान रहे हैं, तो आप लोग क्या करें ऐसा कि 2-2.5 घंटा आप लोग को भूख ना लगे और प्यास ना लगे। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि जिस चंद्र ग्रहण को शुरू होने से पहले आप लोग को अपनी सुबह की शुरुआत 1 ग्लास गुनगुने पानी से करनी है। उसके साथ में आप लोग को 2 खजूर लेना है, ताकि आप लोग की भूख काफी शांत हो सके, मीठे की क्रेविंग ना हो। और जो दूसरा आप लोग को ड्रिंक लेना है वो है, जो मैंने रिसेंटली भी शेयर किया आप लोग को, ये जो ड्रिंक है इससे आप लोग को गर्मी भी नहीं लगेगी, आप लोग को डिहाइड्रेशन नहीं होगा, आपकी बॉडी कूल रहेगी। और ये जो ड्रिंक है बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। सो प्रेग्नेंट लेडीज को ये जो ड्रिंक होता है बहुत फायदा करता है। प्रेग्नेंट लेडीज चाहे तो डेली मॉर्निंग में ड्रिंक ले सकती है, ताकि उन लोग को डिहाइड्रेशन ना हो। और खास तौर पे जो प्रेग्नेंट लेडीज वर्किंग है उन्हें तो ये मॉर्निंग में जरूर से लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग धूप में निकलती है, गर्मी में निकलती है, तो इससे उनको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, उनकी बॉडी कूल रहेगी। और प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, तो इसमें मैंने ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है इस ड्रिंक में, जिससे कि उनके जितने भी डाइजेस्टिव इश्यूज रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, ये वो सब जड़ से खत्म हो जाएगा। सो जो ये ड्रिंक है ये है कुकुम्बर बॉटल गार्ड जूस। इस वीडियो का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, सो प्लीज विजिट जरूर कीजिएगा। आप लोग प्रेग्नेंट हो या नॉर्मल हो, कोई भी इस ड्रिंक को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकता है मॉर्निंग में, क्योंकि ये आप लोग की इस गर्मी को बहुत ही ज्यादा ठंडक देने वाला है। सो ये तो बात रही मॉर्निंग ड्रिंक की। अब बात करते हैं आपके ब्रेकफास्ट की। सो आप लोग को ब्रेकफास्ट में जो लेना है वो होगा 1 एप्पल, और उसके बाद में जो आप लोग को लेना है उसके 30 मिनट्स बाद में आपको जो लेना है, आप लोग वेजिटेबल पोहा ले सकते हैं या उपमा ले सकते हैं या दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। आपको ऐसी कोई प्रोटीन रिच डाइट लेनी है जिससे आप लोग को इस 2-2.5 घंटे में बिल्कुल भी भूख ना लगे। सो ये रही बात चंद्र ग्रहण से पहले आप लोग को क्या लेना है। सो अब बात करते हैं कि जो चंद्र ग्रहण ये कहाँ कहाँ पर दिखने वाला है। ये दक्षिण पश्चिम एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका, अटलांटिक, इन जगहों पे ये चंद्र ग्रहण दिखने वाला है। सो मैं आप लोग को इस वीडियो के एंड में सिर्फ यही बताना चाहूंगी कि जो चंद्र ग्रहण ये भारत में दिखने वाला नहीं, इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने डाइट बताई, अगर आप लोग
इस चंद्र ग्रहण को फॉलो करते हैं, अगर सूतक काल मानते हैं तो उस डाइट को जरूर फॉलो कीजिएगा और देखिएगा आप लोग को ना तो भूख लगने वाली ना प्यास लगने वाली। सो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।